हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में कतर से आने वाले कुछ सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ कतर में जितने सारे न्यू वर्कर्स यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी यहाँ पे एक न्यू अपडेट यहाँ पे आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे। वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ नया जानने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, तो ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेट पाने के लिए कतर में कौन सा रूल कब चेंज हो रहा है, कौन सा अपडेट कब आ रहा है, ये टोटल सब कुछ के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में COVID-19 प्रिकॉशनरी मेजर वायलेट करने का संख्या डे बाय डे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और इसी के लिए COVID-19 पॉजिटिव केस आने का संख्या भी कतर में डे बाय डे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ मतलब MOPH वैक्सीनेशन हेड डॉक्टर सोहा अलबायट, उन्होंने ये बताया कि अभी जितने सारे लोग इस कोविड से या तो फिर इस कोविड का न्यू वेरियंट से यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पे वैक्सीनेटेड है, मगर उसका सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन यहाँ पे 6 महीने पहले ही यहाँ पे हो चुका है। मतलब 6 महीने पहले जिन लोगों का सेकेंड डोज हो चुका है उन लोगों में ये COVID-19 वायरस फैलने का चांस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए डॉक्टर सोहा अलबायट ने ये बताया है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग बूस्टर डोज के लिए यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिए। यहाँ पे अभी तक कतर में टोटल 215,000 से भी ज्यादा लोगों का बूस्टर डोज ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है, जिन लोगों का अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट आने का कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरफ से आ रहा है। जितने सारे लोग लुसेल में या तो फिर लुसेल का आसपास का एरिया में यहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज है। यहाँ पे लुसेल में जो एक न्यू ट्राम लाइन यहाँ पे बनाया जा रहा था उसका ऑपरेशन यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे चालू किया जा रहा है। मतलब जनवरी से लुसेल में न्यू ट्राम सर्विस भी यहाँ पे चालू किया जा रहा है। अभी यहाँ पे मेट्रो के साथ साथ कड़वा बस मतलब पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को और एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे आप लोगों को यूज करने के लिए मिलेगा। आप लोग चाहे तो कभी अगर लुसेल में जाते हैं तो इस ट्राम सर्विस को एक बार यूज करके जरूर देखिए, ये बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को एक जगह से और एक जगह ट्रैवल करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे HMC मतलब हमाद मेडिकल ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमाद मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे कतर का सबसे पुराना सबसे ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो अभी यहाँ पे हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अल मसलामनी, उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमाद मेडिकल हॉस्पिटल को हमाद जनरल मेडिकल हॉस्पिटल को यहाँ पे अभी नॉट ओनली इनसाइड यहाँ पे आउटसाइड से भी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसका प्लान ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इसका अप्रूवल अभी यहाँ पे बाकी है। एक बार इसको अप्रूवल अगर यहाँ पे मिल जाता है तो बहुत ही जल्दी इसका काम भी यहाँ पे चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि हुकूमी कतर की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे हुकूमी कतर की तरफ से ये बताया गया है कि जितने सारे न्यू वर्कर्स अभी नए वर्क वीजा में कतर में काम करने के लिए आ रहे हैं जिन लोगों का अभी तक कतर आई डी यहाँ पे नहीं बना है, तो उन लोगों का कतर आई डी बनने से पहले यहाँ पे आप लोगों को मेडिकल कमीशन में जाके फिर से यहाँ पे न्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे QID के लिए अप्लाई करना पॉसिबल होगा। इसके बारे में फर्दर कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं बताया गया है, मगर यहाँ पे एक फोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों को अगर इसके बारे में फर्दर कोई भी डिटेल्स आप लोग को चाहिए तो ये फोन नंबर में आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग दूसरा कंट्री से मतलब इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश से अगर कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग सामने +974 यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि QID बनाना टोटली आप लोगों का कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप लोगों का कंपनी का HR आप लोगों को जैसे जैसे जो जो स्टेप यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहेंगे उसको ही आप लोग 1x1 फॉलो करते रहिए। यहाँ पे जैसे आप लोगों का QVC करके आप लोग यहाँ पे आ रहे थे वर्क वीजा लेके वैसे ही आप लोग आइए। ये अपडेट हुकूमी कतर की तरफ से आ रहा था सारे वर्कर्स के लिए, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।